गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एट वी रिबॉन्ग एसजी सिस्टर्स। तो दिस इज अ फ्रेश न्यू मॉर्निंग और सुबह सुबह उठ के रेडी वेडी होके यहाँ पे आके खड़े हैं और व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो कल तो हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अभी जाके थोड़ा बहुत फोटोशूट सेशंस एंड ऑल सब चलेगा हम लोगों का, तो चलो वही सब करेंगे। तो शायद आज पूजा भी देंगे जगन्नाथ मंदिर में, तो यही सब कुछ करेंगे। जो कुछ भी करेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और मेरी बहन पीछे वहाँ पे रेडी हो रही है इसलिए वो नहीं आ पाई इसलिए अभी फिलहाल। तो चलो फटाफट नीचे चलते हैं फिर जाके मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग मंदिर के लिए आ रहे थे तो आजू बाजू में इतना बड़ा बड़ा जगन्नाथ जी का इतना बड़ा बड़ा आइडल है, बाप रे। हम लोग के घर में तो इतने तो सह इतने बड़े अभी आज पहली बार मैं देखी। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं तो मेरी बहन आगे जा रही है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो उसे बार बार। तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है तो व्लॉग भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को बाहर से थोड़ा सा दिखा देते हैं मंदिर का व्यू कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से दिखा देते हैं आप लोगों को। आज का क्राउड देखिए, सिर्फ 14 अगस्त है तो सब लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये जगन्नाथ जी का आइडल बनाया जाता है वुड से ऐसे, और ऐसे ही सब लोग लेके जाते हैं। तो हम लोग का भी यहाँ से लेके गए थे, बहुत छोटा छोटा सा है घर में और यहाँ पे देख सकते हो रथ वगैरह सब कुछ है। गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर से। यप, और बीइंग ऑनेस्ट बहुत ही अजीबोगरीब दिन था आज, क्योंकि आज बहुत एक्चुअली आज है 14 अगस्त, आज बहुत लोग मंदिर आए थे। लिटरली एक वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5, 6 हो गया हम लोग के साथ। मम्मी तो घूम फिर के आके जा रही थी, मतलब सेंसिटिव हो गई थी मम्मी कुछ देर के लिए। मम्मी का एक इयर रिंग हो गया फिर, बट फिर भी जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच गए, पूजा वगैरह किए और हम लोग घर आ चुके। पापा और बाकी के लोग अभी तक घर नहीं मतलब रूम नहीं आए क्योंकि वो लोग वहीं पे प्रसाद और या भोग जो बोलते वो खा रहे और हम लोग को नहीं करना था वो, तो हम लोग इसलिए घर में आके अभी थोड़ा बहुत खाना वगैरह ऑर्डर किए। तो अभी वही सब खाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को प्लान है बीच जाने का तो आप लोग को व्यू दिखा देंगे। उससे पहले एक बार रूम से व्यू देख लो। ओके तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे बीच पे। तो फाइनली हम लोग का बीच में घूमना खत्म हुआ तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए हैं और फास्ट फूड, उसके हाथ में आइसक्रीम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में, फिर शाम को निकलेंगे क्योंकि इसका बर्थडे है तो केक खरीदने के लिए। तो चलो फटाफट रूम में चलते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से जब केक खरीदेंगे। मेरी बाप रे बाप, ना बारिश हो रही है, अजीबो गरीब सीजन में हम लोग आए हैं कि बारिश के मारे हमारा पूरा ही खत्म नहीं हो रहा। ट्रिप थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बट हाँ हालांकि एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलो ठीक है वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो अभी मैं और मम्मी और पापा तीनों मिलके निकले हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए क्योंकि बहन का बर्थडे है कल, तो आज रात 12 बजे वो केक कट करेगी तो वो केक खरीदूंगी। और अभी आई हूँ यहाँ का जो फेमस खाजा जिसे बोलते हैं स्वीट्स, तो वो खरीदेंगे हम लोग। तो यही शॉप में आए हैं देख सकते हो आप लोग, तो ये भी गंगूराम में आए हैं, वहाँ से हम लोग स्वीट्स लेंगे। और मम्मी थोड़ा शायद एक दो बैग वगैरह खरीदेंगे, एक्चुअली मैंने खरीद भी लिया एक बैग अपने एक फ्रेंड के लिए। और दैट्स इट, फिर हम लोग केक खरीदेंगे और रात को केक भी कट करेंगे सरप्राइज देके उसे। यहाँ पे आया है मेरी बहन का केक खरीदने, तो जब इस कैफे में देख के गए थे तो बहुत सारा केक था बट अभी सिर्फ इतना ही है। और हाँ एक मिनट, तो फाइनली हम लोग को एक छोटा सा केक मिला तो वही वाला हम लोग ले रहे हैं, बटर स्कॉच और था पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, वो तो अच्छा नहीं लगता उतना। तो हम लोग जो केक खरीदे वो आप लोग को दिखा देते हैं। पूरी में आए हो और ये सब ना खाए तो कैसा चलेगा। हालांकि वी आर नॉट अ बिग फैन ऑफ फिश बट स्टिल हम लोग यहाँ पे आए थे, थोड़ा बहुत देखे एंड ऑल, पापा वगैरह सब कुछ लिए थोड़ा बहुत एंड दैट्स इट।
तो गाइज हम लोग इतने टायर्ड है कि हम बिस्तर पे बैठे बैठे फुला रहे हैं, पर बर्थडे जरूर मनाना है। लाइक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जल्दी से सो जाए, बट फिर याद आ रहा है नहीं सेलिब्रेट करना है क्योंकि कल हम लोग, मेरा तो सर ही कट रहा है क्योंकि कल हम लोग नहीं पता कहाँ जाएंगे या कुछ भी करेंगे क्योंकि कल हम लोग का ट्रेन है, तो इसलिए सोचे क्यों ना आज ही रात 12 बजे हम लोग का जो ट्रेडिशन है उसे कंटिन्यू किया जाए। और आप लोगों को तो केक जैसे जैसे थोड़ा बहुत दिखा दिया, अच्छा अच्छे से दिखाऊंगी अभी, है ना। और जिसका बर्थडे वो खुद भी फुला रही है, ये मैं फुला रही हूँ 3। तो ठीक है चलो यहाँ पे डेकोरेशन करने का प्लान है, तो ये जगह को डेकोरेशन करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जब लोग का फाइनली जैसे तैसे करके एक छोटा सा क्यूट सा डेकोरेशन किया है ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखके, और ये रहा हम लोग का केक, और ये है 31 इयर्स का, इसलिए 31 का ना बुढ़ी, और उसका एक्सप्रेशन देखो जैसे मैं 31 बोली बेचारी सीधी बुढ़ी हो गई। हाँ डायरेक्ट 30 से 31 हो गई। मुझे कुछ देर के लगा वो सीरियसली उल्टा पलटा मजाक कर रही। तो फटाफट से केक को ओपन करके दिखा देते हैं आप लोगों को, और दैट्स इट, सेलिब्रेशन भी खत्म, हम लोग का ट्रिप भी खत्म होने को है। गाइस आज है डे 3 और 4 सो डे 4 एट पुरी और इन पुरी। तो अभी हम लोग फिर से मंदिर जा रहे हैं क्योंकि कल हम लोग जब मंदिर में गए थे तो सिर्फ पूजा देके भाग के आ गए थे, इतना भीड़ था। तो अभी हम लोग तो इसलिए अभी हम लोग जाएंगे फोटो शूट करने, तो अभी थोड़ा बहुत रेडी वेडी हो गए हैं हम लोग सब, तो थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, है ना। कुछ बोलो, बर्थडे गर्ल का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे गर्ल को मजा नहीं आ रहा बर्थडे में। कहाँ जाना है तुम्हें इसको ना, अगर बैंकॉक नहीं मालदीव या मालदीव लेके जाओ ये खुश हो जाएगी, उसको इतने में नहीं भरता उसका पेट, है ना। तो चलो फटाफट थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, और एक जगह जाने का प्लान है, लेट्स सी। फिर तो रात को ट्रेन है, फिर सब खत्म, घर पे जाके वही दोबारा टॉर्चर सहना पड़ेगा। सही में चलो फिर फटाफट खाते हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा खिलाते हैं दूर दूर से। मेरा खत्म हो गया, आ गया। हम लोग आए हैं साइट सीन वगैरह करने, तो यहाँ पे एक दूसरा बीच है, तो ये तो वही पे हम लोग देखने आए हैं बीच। हालांकि हम लोग का होटल के सामने ही था, एकदम बालकनी से दिख रहा था, बट ये हम लोग जा रहे हैं कोणार्क, तो वहीं पे वो टेंपल, सन टेंपल देखने से पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं बीच पे, तो थोड़ा बीच का व्यू एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद वो टेंपल पे जाएंगे। और इसे देखो, बर्थडे गर्ल इज नीनी डूइंग नीनी वॉज डूइंग नीनी है। इतना ज्यादा सोइए, इसको मन भी नहीं कर रहा अभी कहीं जाने के लिए। तो चलो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत व्यू दिखा देते हैं। जा।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोणार्क मंदिर में। तो हम लोग आए थे स्पेशली यहाँ का लाइट एंड साउंड देखने के लिए, बट वो आज नहीं होता है क्योंकि आज एक तो इंडिपेंडेंस डे है, प्लस आज मंडे है, तो यहाँ पे मंडे में ज़्यादा कुछ खुलता नहीं है टूरिस्ट स्पॉट सेक्शन, है ना शायद भाई। सो हम लोग को ड्राइवर भैया ने वही बताया। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, देखो लाइट गिर रहा है। सो सनके स्टूडियो एग्जैक्टली। सो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, पीछे मंदिर है और यहाँ से एंट्रेंस है, तो चलो अंदर जाते हैं और म्यूजियम वगैरह जो कुछ भी है सब देखते हैं फटाफट से। This legendary temple is an ode to the sun god, considered one among the three main temples during the sun worship in India. तो गाइस हम लोग वो जो गैलरी या म्यूजियम जो है उसके अंदर आए हैं, तो वहाँ पे आके पूरा जो स्टोरी है सन टेंपल कैसे बना था, फिर सन टेंपल इवन टूट भी गया था, फिर उसके बाद अलग सा मॉडल बनाया गया, बहुत कुछ इसके पीछे स्टोरी है, तो मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो ये देखो बहुत मस्त लग रहा है सब कुछ, और जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हिस्ट्री तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इतना बड़ा हो जाएगा करके। क्या हुआ तुम्हें वही सबसे शुरू हो गया उसका, थोड़ा सा घूमते घूमते उसका पैर दुखना स्टार्ट। तो चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देते हैं फटाफट से। तो गाइस वी गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इंग्लिश फेस्टिवल्स एंड रथ यात्रा। सो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आ जाता है कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था, रथ के बारे में एवरीथिंग। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कोई गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव एक्चुअली ना। और ये समझा रही है, समझाइए थोड़ा मैडम, मेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा। छोड़ दो ये इन लोग खुद ही पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही करके बहुत सारा मशीन्स लगे हुए हैं, सब लोग खुद से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही पढ़ रही है उसमें। अभी हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर है जहाँ पे पूरा स्टोरी स्टार्टिंग से बताया जाता है हिंदी में। सो अभी जो बाहर हम लोग देखे वो तो थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स था, ये वाला पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक मूवी के जैसे। तो ये 15 मिनट्स का है, तो उसी के लिए हम लोग टिकट लेके आए थे, 40 रुपीज़ करके ईच टिकट है। तो दिखा सॉरी 50 रुपीज़ करके, तो आप लोग को दिखा देते हैं एक बार। तो ये है वो मेन सन टेंपल या तो कोणार्क टेंपल जो है, तो चलो इसके अंदर जाते देखते, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे इसलिए ये इंडियन फ्लैग के जैसे बनाया है। हाँ हाँ, सो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं बाहर ही, इधर उधर देखेंगे क्या क्या है। हमें सो हम लोग का फाइनली घूमना खत्म हुआ, ये टेम्पल भी थोड़ा बहुत देख लिए, अच्छे से घूम नहीं पाए, थोड़ा सुबह सुबह टाइम पे आते तो अच्छे से घूम पाते क्योंकि अभी पूरा लाइटिंग से भरा हुआ है। और यहाँ पे है पूरा मार्केट, उसके सन टेम्पल के ऑपोजिट में ही सब कुछ। तो अभी हम लोग पापा गए हैं पिक्चर्स जो हम लोगों ने क्लिक करवाया, तो उसका प्रिंट आउट मतलब पिक निकालने और सॉफ्ट कॉपी भी लेना है उनको। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेशन जाएंगे इडियट। हम लोग का 10:05 को फ्लाइट है, ट्रेन है। तो अभी थोड़ा हम लोग डिनर करेंगे और दैट्स इट, हम लोग का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग का वैकेशन ट्रिप भी ख़त्म हुआ और आशा करते हैं आप लोग को
शायद मैं नहीं पता कितने व्लॉग में डालूंगी ये वीडियो, मतलब कितने पार्ट्स में, लेट्स सी. सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सामने आ रहा है दुर्गा पूजा, तो उसका शॉपिंग एंड ऑल भी बाकी है, बहुत कुछ करना है. सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको करनी है चार चीज़ें, जो कि है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना. और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.